हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं रिपब्लिक डे स्पेशल हेल्दी आटा केक। जिसके लिए हमको चाहिए 1 कप ऑफ आटा, 1/2 कप पिसा हुआ शुगर, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 कप ऑयल, 1 कप मिल्क, चुटकी नमक एंड ऑरेंज एंड ग्रीन फूड कलर। तो चलिए सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। आटा डालेंगे, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सबको छान लेंगे हम। इन सबको छान के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शुगर मिक्स करेंगे। ऑयल डालेंगे। पिंच ऑफ नमक, दूध थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए जाएंगे हम। अब लास्ट में हम इसके अंदर वनीला एसेंस मिलाएंगे। एंड मिक्स करके इसके 3 पार्ट्स करने हैं हमको। इक्वल 3 पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट के अंदर ग्रीन फूड कलर मिलाएंगे हम। एक पार्ट में ऑरेंज फूड कलर, और एक पार्ट को व्हाइट ही रखेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले नीचे ग्रीन बैटर का 1 स्पून डालेंगे हम। इसके ऊपर व्हाइट एकदम सेंटर में ही डालना है। फिर ऑरेंज, फिर से ग्रीन सेंटर में, व्हाइट, ऑरेंज। अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसके 4 पार्ट करेंगे। 1, 2, 3 एंड नाउ 8 पार्ट। ये भी बाहर की तरफ निकालनी है फॉर्क हमको, बाहर की तरफ। अब ये जो हमने पार्ट्स किए हैं उनके एकदम सेंटर में से बाहर से अंदर की तरफ लेना है टूथपिक को। सी, बाहर
से अंदर की तरफ। अब सेम प्रीहीटेड कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे और एकदम हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है स्टार्टिंग से लेकर के। बस हमारा केक बेक हो चुका है, देखिए ये क्लीन एकदम क्लीन निकला है। तो हम गैस को ऑफ करके मोल्ड को बाहर निकाल के रख देंगे और ठंडा होने के लिए किसी कपड़े से ढक के रख देंगे। तो ये केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। थोड़ी सी साइड्स क्लियर कर देनी पड़ती है पहले ताकि इजीली केक बाहर आ जाए हमारा। ये देखिए ये पूरा कलर्स का मार्बल इफेक्ट आया हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल।